नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं आज के अखबार के विश्लेषण के साथ। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या कहा। हम बात करेंगे कहां लगा था 7 साल तक तालाब और कौन सा था इकलौता गंगा प्रोजेक्ट। हम बात करेंगे बीएचयू के मुद्दों पे। हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पे। अब खबरें कुछ विस्तार से। अब हम बात करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो अपने प्रस्ताव रखे उसके मुद्दे पे। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी दलों की सुनेंगे और उनके बातों पर समीक्षा करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की सोचती रही और यह आपातकाल का मुद्दा बार बार लाती रही है। अब बात करेंगे कुछ बनारस की प्रमुख खबरों पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज से 32 साल पहले बना गंगा लैब 7 साल से बंद है। कल एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल से गंगा लैब में कोई कार्य नहीं होता है और यह गंगा लैब 7 साल से बंद है, जिसकी योग्यता यह बताई जाती है कि इसमें 32 किलोमीटर दूर तक गंगा की सफाई के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। गंगा लैब पूरे भारत का ही नहीं विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गंगा लैब है। कल आखिरकार बनारस में हिस्ट्री सीटर हरिंदर सिंह और रुचि की मौत की गुत्थी सुलझ गई। दिलीप सिंह जो मौत के गुनहगार माने गए ये प्रॉपर्टी डीलर थे। 6 बीघे जमीन के लिए मौत की घटना की गई थी। पुलिस विभाग से यह दावा किया गया था जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा देगा उसको 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिसमें दिलीप सिंह अभी भी फरार है। अब हम बात करेंगे यूपी रिपोर्ट पे। कल बिहार, यूपी, उत्तराखंड समेत पूरे राज्य की स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जाहिर की। इसमें 21 बातों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें यूपी की हालत और खराब दिखाई दी। यूपी जहां 21वें स्थान पे है वहीं बिहार उसे 1 स्थान पीछे 20वें स्थान पे है। पहले स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। वहीं सुधार के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं उनमें हरियाणा का नाम सबसे प्रबल आता है। बिहार की और यूपी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जो पिछले साल 2018 में यूपी और बिहार 16वें और 17वें अंक पे थे वहीं इस बार यूपी और बिहार 20वें और 21वें अंक पे आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ खेल जगत की। कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ रोमांचक में मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 64 रन से यह मैच जीत लिया। कल ऑस्ट्रेलिया कप्तान फिंच के द्वारा शतकीय पारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। इसमें ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप में 2रे स्थान पे आ गया है। वहीं इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल तक का रास्ता कठिन हो चुका है। आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पाकिस्तान जहां अपने अस्तित्व बचाने के लिए मैच में उतरेगा वहीं न्यूजीलैंड अपनी सेमीफाइनल में सीट पक्की करने के लिए उतरेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।